ये दूसरे छत पर अलग हो रहा है। यहाँ भी अलग हो रहा। ये अलग हो रहा सुबह का टाइम ना, ये मॉर्निंग के टाइम में अलग हो रहा। सिंदूर लग गया खालनी को। हवन होने का तैयारी हो रहा। अब जाके मम्मी प्रसाद खाइए 35 घंटे के बाद। जो ये जो इसमें सहा जाता है फास्टिंग किया जाता है, 35 आवर्स का फास्टिंग होता है कम से कम। तो अभी प्रसाद खा के हमें फास्टिंग अपना तोड़ी और अभी नींबू पानी पी लिया फास्टिंग तोड़ने के लिए। सालनी को भी मिल जाएगा प्रसाद। तो गाइस आप लोग देख सकते हो
अब हम लोग लो आजा आजा जब इतना दूर से आती है जल्दी दादी जी किसका माता में ले ले पिंकी बड़े बड़े इससे जल्दी संतान इसका पढ़ाई में बुद्धि इसका पढ़ाई में बुद्धि चल आजा आजा नबी आजा चलो 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 आजा आजा बना हुआ पापा नींबू भी लाइयो डाल के वाह बहुत अच्छा और बताइए सलनी पर बहुत अच्छे से हो गया ऐसे अच्छे से हो गया लाओ बेटा लो और भी है हाँ हाँ एकदम सामने वो दे दो सुबह वहाँ निकल चुके हैं अब सिंपी ये घाट का पूजा हो रहा अरे छत पर कितना काफी भीड़ है
आपको किचन में दिखाते हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और खाना सारा बन चुका है। पांच तरह का पकवान बना है आज, पकवान नहीं सब्जी, सब्जी बना है, पकवान सब्जी सब एक है। ये हो गया राइस, हो गया आपका, ये देख सकते कितना सुंदर कढ़ी बना है, कढ़ी बना है, राइस बना है, ओल का सब्जी बना है। ये ओल का सब्जी बिना प्याज लहसुन का खाना बना है। हम लोग के घर बिना प्याज लहसुन, बहुत लोग के घर है ना आज के दिन प्याज लहसुन बनता है, लेकिन हम लोग के यहाँ अभी नहीं बनता है, अभी नहीं बनता। देखिए कढ़ी है कढ़ाई में, और ये बचका है, ये बचका है, किसका बचका है, ये अगस्त फूल का बचका बना हुआ है। इसका बहुत महत्व होता है, इसको अमृत के समान माना जाता है। ये आपको सिर्फ मिलता है बिहार और झारखंड में ही, अगस्त का फूल मिलेगा आपको, और इसके अलावा कहीं नहीं मिलता ये। और ये है सीताफल का कोहरा, सीताफल जो भी बोल सकते हैं, यहाँ के लोग कोहरा बोलते हैं, यूपी और दिल्ली के लोग सीताफल बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है घी, ये घी में ना लाल में लाल मिर्च को पका के चावल पे डाल के खाया जाता, बहुत अच्छा, देखने में सुंदर लग रहा है। आज का जो खाना बनता है ना बहुत ही टेस्टी होता है। और ये धनिया पत्ता का चटनी, ये धनिया पत्ती का चटनी है इसमें। हाँ। और लाल साग, ये लाल साग है बना हुआ, ये लाल साग है, ये सारा चीज आज ये हो गया लाल साग, लाल साग हो गया। इतना वैरायटी आज के डे में बनता है। अभी एक और चीज मिसिंग है, अभी क्या मिसिंग है, आलू गोभी का सब्जी। यस, साली भूल गए, इतना कंफ्यूज हो गए ना, इसको याद ही नहीं आ रहा क्या बना। नहीं ऐसा भी नहीं है, हम भूल गए, हो जाता है, पड़ोसते पड़ोसते वीडियो में भी बात कर रहे हैं इसीलिए। ये इसमें दे रहे थे आलू गोभी का सब्जी, ये सबसे अच्छा लगता है, घी में लाल मिर्च पका हुआ, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आपको नजदीक से दिखाते हैं, ये एक हो गया सारा खाना ही आज के दिन, दो हो गया, अच्छा होता है, तीन हो गया, अगस्त का फूल हो गया, सीताफल हो गया, ये धनिया हो गया, ओल का सब्जी भी दिखा। आज के दिन ना ओल का सब्जी बनता है यहाँ, इनके घर बनता है। ये कोहरे की, ये आलू गोभी का सब्जी है जो शालिनी निकाल रही है, आलू गोभी का सब्जी नया आलू का बनता है। हाँ, नया आलू का, पुराना आलू अब नहीं खाते हम लोग। देखिए सारा खाना निकल चुका है और लास्ट पे साली अब दही निकाल के देगी मम्मी को, दही नहीं घी, दो साली घी ऐसे करके डालेंगे। ठीक है, देखिए गाइस ऐसे करके पूरा खाना परोसा जाएगा मम्मी जी को। मम्मी आई है, मम्मी दही भी चाहिए क्या? हाँ दही थोड़ा, दही भी, स्पून भी दे देते हैं। ये देखिए पूजा करके मम्मी खाती है, के लिए निकालना चाहते हैं, प्रणाम करके मम्मी फिर शुरू करेंगे अपना। ये आप देख सकते हैं दही भी आ गया है, ये सारा बन चुका है। मम्मी पारण करेंगे, इसको पारण बोला जाता, इसको पारण बोला जाता है, 36 घंटा के बाद लोग खाते हैं छठ पूजा में। हाँ, सबसे लंबा फास्टिंग इसी में होता है, फास्टिंग होता है और बहुत काम भी होता है। तो इसमें बहुत महापर्व इसलिए कहा गया है, इसमें बहुत मेहनत और फास्टिंग 36 घंटा करना होता है जो भी लेडीज करती है। असल फर्स्ट बार जो छठ हुआ, छठ में तुम यहाँ आई थी तो क्या की थी, क्या की थी अलग के टाइम, अलग के सुबह नहीं मैं नहीं बता रही, छोड़ो ना, जो की थे पता ही है तुमको। और पापा जी से पूछो कैसा फील कर रहे हैं। पापा सब कुछ अच्छे से हो गया, छठ अच्छा था, संपन्न हो गया, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और कोई परेशानी नहीं हुई, लोग छठ घाट पर से लोग प्रसाद दे दी गई, अच्छा लग रहा है।
और ये साल का सारा फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब ये हिंदू समाज में इस साल अब कोई फेस्टिवल नहीं है, इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है जो गंगा स्नान करने वाले। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा तुलसी विवाह भी होगा बे। कार्तिक स्नान करने वाले के लिए पांच दिन विशेष है। ये है सोने का सूप, और इसमें भी सोने का सूप में अक्षत वगैरह डाल के सिंदूर लगाकर पान सुपारी जो गजती होता है ना वो लोग करते हैं। तो मम्मी जी का भी ये गजती है अयांश का, तो मम्मी ये करी हैं। और यही है सोने का सूप, जो नहीं जानते नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं।